गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं केडीएस ऑनलाइन से कुमार श्रवण। जैसा कि आप जानते हैं, कई दिनों से बच्चों का ये कहना था, कई बार मैसेज कर रहे थे, लोग फोन कर रहे थे कि सर कुछ जो है कि करंट में टॉपिक लेकर के आए और विशेष जो हम लोगों के एग्जाम से संबंधित हो। तो मैंने उस पर बहुत अमल किया क्योंकि क्लास तो मुझे ही लेना था करंट का, लेकिन हमने कहा कि चलो जल्दी से अगर हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके बच्चे वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि करंट हम सारे चीज़ पढ़ेंगे और जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, और आई थिंक कि जितने भी इम्पॉर्टेंस करंट के इश्यूज हैं वो सारे मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा, जहां से कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूरा आने की संभावना बने। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं कहीं से, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाओ। और मेरा उम्मीद यही है कि आप घर घर तक ग्रामीण एरिया में पहुंचाओ, ताकि आपको देख करके या आपके कमेंट या मैसेज को देख करके हम लोग भी बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड होते हैं कि हमें भी कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। तो चलिए आज हम करंट की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज एक टॉपिक करंट में लूंगा मैं, और डेली बाय डेली मेरा एक टॉपिक जाता रहेगा, और ये समझ करके इसको पढ़िएगा कि एग्जाम से बाहर नहीं हो सकता बेटा, पहली बात। क्योंकि अगर एक टीचर अगर इस तरीके से बोल रहा है तो इसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा इस पर एनालिसिस है और उसने अपने सारी चीज़ों को तैयार कर रखा है। इसीलिए आपको बोल रहा है कि आप प्लीज़ करके एक अलग से करंट्स का नोट्स बनाइए, ताकि हर एक विशेष मुद्दे को आप एक जगह लिखिए, उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें। बाकी हम क्लास को लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे जो करंट में इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक, या आप ये कह सकते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी से संबंधित है ये। पहला करंट का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बेटा जीआई टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जीआई टैग। मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और टैग होता है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अप्रॉक्स भारत में, पहला पॉइंट में इसको नोट करिएगा, अप्रॉक्स भारत में 300 से अधिक उत्पादन को जीआई टैग मिल चुका है भारत में, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नंबर टू 2004 और पांच में दार्जिलिंग को भारत में पहला, सबसे पहले, या सबसे पहले आप लिख सकते हैं सबसे पहले जीआई टैग मिला था। क्वेश्चन बन सकता है, बार बार मैं ये कह रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, तो दार्जिलिंग को मिला। अब यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दार्जिलिंग में ऐसी क्या उत्पादन प्रमुख था जिसके लिए दार्जिलिंग को, उस उत्पादन के लिए जीआई टैग निर्धारित किया गया, जीआई टैग मिला। तो आप यहां लिख लीजिएगा, आपने नाम सुना होगा ग्रीन टी। ग्रीन टी के लिए दार्जिलिंग को जीआई टैग मिला। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, भारत में अभी तक 300 से अधिक उत्पादन को जीआई टैग मिल चुका है। जैसे आपने नाम सुना होगा तिरुपुरम, लड्डू, बनारस की साड़ी, ये मशहूर है, ये सब जीआई टैग में आएंगे। अर्थात 300 से अधिक जो है कि उत्पादन को, जो प्रमुख उत्पादन है उनको जीआई टैग मिल चुका है।
2004-05 में दार्जिलिंग को भारत में पहला या सबसे पहले जीआई टैग मिला, वो किस पे मिला था बेटा? ग्रीन टी पर। इतनी बात कंफर्म है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है। अब ये क्वेश्चन बनेगा, आप यही बोलोगे सर आप तो बता दिए 300 से अधिक जो है कि उत्पादन को जीआई टैग मिल चुका है और 2004-05 में दार्जिलिंग को पहला जीआई टैग भारत में मिला ग्रीन टी पर, लेकिन जीआई टैग है क्या? तो देखो जरा ध्यान से, शब्दों में लिखा हुआ है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो आइए हम मिटा करके इसको करता हूं कि यह है क्या। नोट करते चलिएगा सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे। तो जीआई टैग के ये प्रमुख बातें हम लोग पढ़ लें, आखिर जीआई टैग है क्या। और ध्यान रखिएगा इसमें मैं अलग अलग सेगमेंट का पढ़ाऊंगा और ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य को मिला है विशेष अभी 2019-20 में, तो इसलिए हर टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट करना संभव नहीं है। लगभग इस करंट को लेकर 3 दिन तक क्लासेस चलेंगी पूरी की पूरी, और जितने प्रमुख अभी हाल फिलहाल में जिस राज्य को जीआई टैग मिला है उत्पादन के लिए वो सारे मैं कवर कर दूंगा। इसके बाद सीधा हम बॉन्ड पे आएंगे। जैसे आपने मसाला बॉन्ड का नाम सुना, भारत 2020 ईएफटी का नाम सुना होगा आपने, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, आप देखते रहिएगा, बेहतर तरीके से क्लास होगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप करंट की पूरी क्लासेस आप करते चलिए। मैं फिर बार बार बता रहा हूं ये बात को, पूरी क्लासेस आपको करना, नोट्स बनाना इसका, और बेहतर तरीके से जब एग्जाम में आएगा तब आप कंपेयर करना। मेरी सारी वीडियो सबके सामने दिखेगा कि मैंने क्या बच्चों को पढ़ाया था। तो चलिए जीआई टैग के विषय में हम बात करते हैं। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग की प्रमुख बातें देखिए। जीआई टैग वस्तु अथवा उत्पादन को, पहला, जीआई टैग वस्तु अथवा उत्पादन को दिया जाता है, पहला, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधि करते हैं। अगला पॉइंट, किसी विशिष्ट स्वरूप पर ही या किसी विशिष्ट स्वरूप पर ही पाया जाता है। आई थिंक इतनी बात आपको याद हो गया होगा कि जीआई टैग जो होता है वस्तु अथवा उत्पादन को दिया जाता है। पहली पॉइंट, जो विशिष्ट क्षेत्र, क्या आ गया बेटा, जो विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हमने बताया कि जीआई का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात जियोग्राफिकल मतलब क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और किसी विशेष स्वरूप पर ही पाया जाता है। अर्थात इसका स्वरूप, अर्थात जिस उत्पादन को दिया जाएगा उस उत्पादन की अपनी एक विशिष्ट विशेषता होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे सभी उत्पादन को नहीं दिया जाएगा, उसमें हर उत्पादन के अलावा उसमें विशिष्ट गुण पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या पाया जाएगा बेटा, विशिष्ट गुण, अर्थात वो सभी उत्पादन में नहीं होगा बल्कि वो विशिष्ट कुछ उसमें विशेषता जो अलग से होगा, इसीलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। अर्थात वो हर उत्पादन से बिल्कुल अलग होगा। मेरी बात आई होप कि समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है जीआई पंजीकरण। मैं यहां लिखता हूं जीआई पंजीकरण
10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए वैध होता है। अर्थात अगर एक बार आपने जीआई करा लिया तो कितने वर्ष के लिए वैध हो जाएगा बेटा? 10 वर्ष के लिए। इसके बाद इसे रिन्यू कराना होता है। क्या कराना होता है बेटा? रिन्यू कराना होता है। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला बेटा ध्यान से देखिएगा, दूसरा, भारत में भौगोलिक संकेतों के लिए वस्तुओं के भौगोलिक चिन्ह पंजीकरण की सुरक्षा अधिनियम 1999 पारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अर्थात एक अधिनियम है जिसका नाम है वस्तुओं की भौगोलिक चिन्ह पंजीकरण सुरक्षा अधिनियम 1999 का पारित किया गया। अगला पॉइंट है फिफ्थ नंबर, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग वाणिज्यों उद्योग मंत्रालय मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट कर लेना बेटा, आपसे पूछ सकता है कि जीआई टैग जो है कि किसके द्वारा दिया जाता है या प्रदान किया जाता है, तो आपके पास एक ही आंसर होगा बेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसका जो है तीसरा नंबर इसको लिखिएगा और चौथा नंबर लिखिएगा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय कहां है बेटा? तो आप एक ही नाम लीजिएगा, वो है चेन्नई में। ये दो पॉइंट जो बेटा तीसरा और चौथा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पहला पूछ सकता है जीआई टैग क्या है, नंबर दूसरा आपसे पूछ सकता है कि जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला और किस उत्पादन पे मिला, अभी भारत में कितना अधिक उत्पादन को जीआई टैग मिल चुका है और जीआई टैग किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और आपसे पूछ सकता है कि इसमें जो संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय इसका है वो कहां है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, ये तीन और चौथा पॉइंट और जो पहले का पहला और दूसरा तीसरा पॉइंट था उसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, और ये विशेष रूप से इसकी वैधता होती है 10 वर्ष के लिए वैध होगा, अगर इसको बाद में अपडेट कराना है तो रिन्यू कराना होता है, और भौगोलिक संकेतक एक अधिनियम जिसका नाम है पंजीकरण की सुरक्षा अधिनियम 1999 में पारित किया गया था। अब हम बात करते हैं बेटा कि आखिर किस किस राज्य को किस किस उत्पादन के लिए जीआई टैग दिया गया है। प्रमुख, ध्यान रखिएगा, प्रमुख बातें कर रहा हूं क्योंकि 300 से अधिक मैंने बता चुका हूं, तो 300 से अधिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से अभी हाल फिलहाल में चर्चा में बने हुए हैं उसकी हम बात करने जा रहे हैं।
तो जीआई टैग की अगर हम बात करें, जीआई टैग की अगर हम बात करें तो नंबर वन, जैसे आपने नाम सुना होगा मणिपुर, किसको बेटा? मणिपुर किसके लिए? काले चावल को, ध्यान रखिएगा, किसको बेटा? काले चावल को, अर्थात मणिपुर में काले चावल को जीआई टैग मिला अभी हाल फिलहाल में। लेकिन इसकी भी प्रमुख विशेषता है, मैंने बताया कि जीआई टैग सबको, सारे उत्पादन को नहीं मिलता, जिसकी प्रमुख विशेषता होगी उसको हम लोग जीआई टैग दिया जाता है मंत्रालय के द्वारा। लेकिन अभी हम मणिपुर की बात करेंगे तो काले चावल में देखेंगे कि आखिर काले चावल को क्यों दिया गया जीआई टैग, उसकी क्या अपनी प्रमुख विशेषता है, उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी पाई जाता है जिसको जीआई टैग मिला, तो इस पे भी हम बात करेंगे। नंबर दूसरा, अगर हम बात करेंगे गोरखपुर का नाम आपने सुना होगा जो उत्तर प्रदेश में है, इसको जो है कि टेराकोटा को जीआई टैग मिला, किसको मिला बेटा? टेराकोटा को। इसके बाद थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, जानते हैं कहां है, इस पर जो है कि एक कोविलपट्टी नाम से है, कोविलपट्टी कड़लाई, कड़लाई का नाम सुना होगा, एक मिठाई है कोविलपट्टी कड़लाई, मिठाई को जीआई टैग मिला, तमिलनाडु है। और तीसरा बेटा कश्मीरी, कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ। और एक फिफ्थ नंबर बता देता हूं बेटा, पश्चिम बंगाल को भी आपने नाम सुना होगा रसगुल्ले को जीआई टैग मिला। तो हाल फिलहाल में अभी कुछ राज्य को जीआई टैग मिला गया, कुछ राज्य को जो विशेष उत्पादन करते हैं उनको जीआई टैग मिला है, जैसे नाम अभी मेरे साथ याद रखिए, मणिपुर में काला चावल, गोरखपुर में टेराकोटा, तमिलनाडु में कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई, कश्मीरी केसर, पश्चिम बंगाल रसगुल्ले को। तो आइए हम लोग जरा बात करते हैं मणिपुर में काले चावल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जरा ध्यान से इस बात को देखें, आखिर इसकी प्रमुख विशेषता नोट डाउन कर लीजिएगा, यह पांच आप लोगों को प्रमुख याद रखना है जो 2019 और 20 में जीआई टैग दिया गया है, अर्थात मणिपुर, गोरखपुर, तमिलनाडु, कभी भी क्वेश्चन बना सकता है, टेराकोटा जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य से है, तो गोरखपुर में है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तो आप कह सकते हैं कि गोरखपुर। अगर आपसे कोई पूछेगा कोलीपट्टम कड़लाई मिठाई को जीआई टैग मिला, किस राज्य? तमिलनाडु। आपसे पूछेगा केसर तो कश्मीरी, और आपसे पूछ देगा रसगुल्ले तो पश्चिम बंगाल। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहेगा, तो सीधा सीधा स्टेट से पूछ सकता है या तो फिर स्टेट से जोड़ करके जहां पे फेमस जिसको जीआई टैग मिला उसकी बात कर सकता आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो आइए हम लोग काले चावल की प्रमुख विशेषता के विषय में बात करते हैं, अर्थात मणिपुर में, अर्थात अगर हम मणिपुर की बात करूं, मणिपुर में काले चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहली बात, काले चावल को, यहां लिखता हूं, काले चावल को
स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है बेटा, इसको चाकहाओ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नाम आपसे पूछ सकता है, यहां पर लिख देता हूं चाकहाओ। क्या कहा जाता है बेटा? चाकहाओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चाकहाओ कहा जाता है। नंबर दूसरा, अपने आकर्षक रंग, यही काले चावल, अपने आकर्षक रंग और सुगंधित स्वाद के रूप कारण, स्वाद के कारण इसकी एक अलग पहचान है। आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, इसकी एक अलग पहचान है। नंबर तीसरा, इसका उपयोग परंपरागत, चिकित्सकों द्वारा दवाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा, रेशेदार, ध्यान से समझिएगा, भूसी की परत और कच्ची फाइबर सामग्री की उपस्थिति के कारण इस चावल को पकाने में 40 से 50 मिनट समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है बेटा? 40 से 50 मिनट का समय लगता है। आगे की बातें याद करेंगे बेटा, तीन पॉइंट। अर्थात इसको पकाने के लिए कितना समय लगता है बेटा? 30 से 40 मिनट। चौथा पॉइंट, मणिपुर के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है, पांचवा, काला रंग इसमें पाए जाने वाले एंथोसाइनिक नाम याद रखिएगा, एंथोसाइनिक नामक शक्तिशाली प्राकृतिक काले रंग के रंजक के कारण होता है।
अर्थात आप ये कह सकते हैं जो काला रंग इसका हुआ है वो किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिक नामक एक रंजक होता है, एक रंजक होता है जिसके कारण से इसका रंग क्या होता है बेटा, काला होता है। तो ये साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, एंथ्रोसाइनिक के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। 6 पॉइंट, यह चावल विटामिन ई, फाइबर का अच्छा स्रोत है। अर्थात कैसी विटामिन पाई जाती है बेटा, विटामिन ई पाई जाती है। इसका सेवन, लास्ट पॉइंट, इसका सेवन मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, गठिया, एलर्जी, इत्यादि जैसे रोगों के लिए लाभदायक होता है। यह बेटा हमारा काले चावल, मणिपुर में जो काले चावल है इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है, ये चीजें हमने जो है कि आपको बता दिया। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि काला रंग किसके द्वारा होता है, तो एंथ्रोसाइनिक एक रंजक होता है, एक एलिमेंट आप बोल सकते हैं जिसके कारण से काला रंग होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ई, अर्थात जो फाइबर होता है ऊपर वाला हिस्सा अच्छा उसका स्रोत होता है। इसका सेवन किसमें, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, गठिया, एलर्जी जैसे रोगों के लिए यह काफी लाभदायक होता है, उसका रोकथाम करता है। आई होप कि आप पूरा का पूरा इसको समझ गए होंगे। तो यह हमारा मणिपुर का जो काले रंग का चावल की जो विशेषता है और जीआई टैग क्या है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम गोरखपुर के टेराकोटा के विषय में हम बात करेंगे कि उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इस पर हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में गोरखपुर के टेराकोटा के विषय में हम बात करेंगे। यहीं पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं बेटा। अगली क्लास हमारी इकोनॉमिक की है, आप उसका भी लेक्चर देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।